मैं हूं अभिषेक बारेठ और आप इस वक्त मेरे साथ द विंडो पर हमारा स्पेशल सेगमेंट किस्सा कहानी देख रहे हैं। तकरीबन 22,000 दिन पहले एक शुक्रवार हिंदुस्तान में आया तो बड़ा मामूली तरीके से था, लेकिन हिंदुस्तान की जनता पिछले 16 बरस से इसके आने का इंतज़ार कर रही थी। इस इंतज़ार के 16 बरसों में युवा प्रौढ़ हो गए थे। शीशों में यौवन की पहली झलकी देखने वाली बालाएं अब घर बसा चुकी थी। कुछ अजन्मे अब मैट्रिक के इम्तिहान पास कर चुके थे। कई बुज़ुर्ग अनमना इंतज़ार करके मुल्क के अदम की राह पर भी निकल चुके थे। ये शुक्रवार हिंदुस्तान और चीन की जंग के महज 2 साल पहले आया था, जिसकी अब तक कोई सुगबुगाहट नहीं थी। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा निराश होने से बस 2 बरस के फासले पर था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ऐ दूरदर्शी होने का ताना भी अभी दिया नहीं गया था, वो छींटाकशी भी अपने सफ़र पर थी। अक्साई चीन उस वक्त 100% हमारा था, पर आज की तरफ सिर्फ नक्शे में नहीं। ये 5 अगस्त 1960 का शुक्रवार था। देश की सड़कों पर, सिनेमा घरों के सामने 2-2 मील की इंसानी कतारें धक्कमपेल करती हुई आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। सड़कों पर गद्दे, कंबल, चटाइयां पड़ी थी, उन पर ऊँघते हुए लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। मराठा मंदिर सिनेमा में टिकट के 2 काउंटर उस वक्त हुआ करते थे। एक खिड़की पर भारतीय दर्शक टिकट ले पाते थे और दूसरी पर विदेशी पर्यटक। ये अनुशासन आज टूट गया था। देशी और विदेशी दर्शक आमने सामने हो गए थे। लोग घरों से खाने पीने का सामान और बिस्तर यहीं ले आए थे और वहीं जम गए थे। आज मुगल-ए-आज़म रिलीज हुई थी। पूरे देश के सिनेमाघरों के बाहर यही झांकियां थी। सच कहें तो जो फिल्म आज रिलीज़ हुई थी वो फिल्म नहीं, 16 बरस और उसे सोचे जाने का बेमिसाल इंसानी जुनून था। वो जुनून जिसके माथे पर सवार होकर यहाँ पहुँचा था, उसका नाम था डायरेक्टर करीमुद्दीन आसिफ। ऐसा सिनेमाई जुनून जो ना उससे पहले देखा गया, ना ही पूरी दुनिया उसके बाद इस तरह के जुनून को देख पाई। आज मुकम्मल हुए जुनून की नुमाइश थी ये फिल्म। तो टिकट खिड़की से ही गैर मामूली हो चुकी थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर मदन कोठारी ने कि आसिफ से कहा था कि इस फिल्म की टिकट भी इस फिल्म की तरह ही अजीमोशान होनी चाहिए। और निर्देशक के आसिफ ने पहली बार ऐसी टिकटें छपवाई जिन पर पहली बार फिल्म का पोस्टर भी छपा। 85,000 रुपये सिर्फ टिकटों की छपाई में खर्च कर दिए गए, जो आज 25 लाख रुपये के बराबर हैं। इस सिनेमाई करिश्मे ने सन 1944 में अपना पहला कदम इस ज़मीन पर रखा, पर यह उतना सच नहीं है जैसे इसे कहा जाता है। इस फिल्म का जन्म दरअसल उत्तर प्रदेश के इटावा में 14 जून 1922 को उस शख्स के साथ ही हुआ जिसका नाम था करीमुद्दीन आसिफ। उस शख्स जो शायद ये फिल्म बनाने ही ज़मीन पर आया था कि आसिफ अपने वालिदैन के घर मुफलसी के उस दौर में पैदा हुए थे, जिसने उन्हें बचपन से लेकर जवानी तक गुर्बत में ही रखा और हैरान कर देने वाले इंसानी जुनून के मालिक कि आसिफ को दौलत कमानी भी नहीं थी। गरीबी की वजह से स्कूल की सिर्फ 8 जमात ही वो पास कर पाए और फिर काम की तलाश में बम्बई पहुँचे। आसिफ के मामा की उस वक्त दर्जी की एक दुकान हुआ करती थी, वहाँ आसिफ भी कपड़े सिलने का काम करने लगे। आसिफ और उनके मामा फिल्मों के कॉस्ट्यूम्स भी सिला करते थे। यहीं से आसिफ पर वो धुन सवार होने लगी जिसके लिए ही संभवतः वो पैदा हुए थे। कि आसिफ धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में लोगों से अपनी पहचान बना रहे थे, पर डायरेक्टर बनने के लिए उनकी तालीम और हैसियत उस वक्त तक नाकाफी थी। पर इस बात की भी तारीख गवाह है कि हौसलों के सामने हैसियत कमतर साबित होती है। इस फिल्म की कहानी कहते वक्त लोग कि आसिफ को सीधे दर्जी की दुकान से निकालकर उन्हें फिल्म निर्देशक बनाते हैं, लेकिन 8 जमात पढ़ा दर्जी सीधे निर्देशक बन जाए, इसका वो जवाब नहीं दे पाते। दरअसल आसिफ के अंदर जुनून के साथ एक और भी चीज़ थी। किसी भी चीज़ की डिटेलिंग करने का हुनर, यानी महीन और बारीक चीज़ों को भी पकड़ लेने और उन्हें समझाने का हुनर उनमें था, जिसे अटेंशन टू डिटेल कहा जाता है।
1945 की फिल्म फूल ने मुगले आजम की जमीन तैयार कर दी थी। दरअसल फिल्म के प्रोड्यूसर थे के अब्दुल्ला, जो कि के आसिफ की डिटेलिंग से उनसे मिलते मिलते प्रभावित हो गए थे। एक और बात इस फिल्म में ये थी कि मुगले आजम में अकबर का किरदार निभाने वाले पृथ्वीराज कपूर और इसी फिल्म में जोधाबाई का किरदार निभाने वाली दुर्गा खोटे भी थी। के अब्दुल्ला ने के आसिफ पर भरोसा करके फिल्म फूल का निर्देशन उन्हें सौंप दिया। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन उन्होंने आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े निर्देशक बनने वाले आसिफ पर ये दांव खेला था। सच कहें तो ये जोखिम के आसिफ का मुकद्दर था। फिल्म सुपरहिट रही और के आसिफ पर एक सफल निर्देशक का तमगा लग गया। शायद किस्मत ने जानबूझकर उनसे ये फिल्म करवाई थी ताकि उनकी सफलता की वजह से उन पर हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा जोखिम लिया जा सके। वो जोखिम लिया भी गया और के आसिफ ने वो शाहकार बनाया जिसे मुगले आजम कहा जाता है। मुगले आजम फिल्म से ज़्यादा जुनून की हद लांघने की कहानी है, जो यहीं से और सिर्फ यहीं से कहना शुरू की जा सकती है। दरअसल मुगले आजम तारीफ से ऊपर उठी हुई एकमात्र ऐसी फिल्म है जो एक मुग़ल शाहजादे और एक कनीज के बीच की मोहब्बत की कहानी है, जिसमें अकबर पिता और शहनशाह के बीच की उधेड़ बुन पर मुग़लों के न्याय और उसूलों के वकार पर मर मिटने वाले मुगले आजम है। फिल्म में शहनशाह के अंदर का पिता अपने ही शहनशाह हो जाने से हारता है। ये भी अजीब और दिलचस्प बात है कि इतिहास में अनारकली का अस्तित्व इतिहासकार मानते ही नहीं हैं। जिसका इश्क कभी सलीम से हुआ, जिस बरस के आसिफ पैदा हुए यानी 1922 में, उसी बरस लाहौर के मशहूर नाटककार इम्तियाज अली ने एक नाटक लिखा। इसका नाम था अनारकली। दरअसल लाहौर में एक बाजार है जिसे अनारकली का बाजार भी कहा जाता है। उसी बाजार से गुजरकर राहगीर एक मजार तक पहुंच जाते हैं जिसे अनारकली की मजार कहा जाता है। 1922 में इम्तियाज अली ने नाटक लिखा। उसी बरस 1922 में ही के आसिफ पैदा हुए। हैरान करने वाली बात ये है कि एक ने अनारकली का पहला दस्तावेज तैयार किया और दूसरे ने इसे फिल्मी पर्दे पर उतारा। इस बात का कोई दस्तावेज या जानकारी किसी को नहीं है कि इसी नाटक को पढ़कर शायद के आसिफ ने ख्वाब सी दिखने वाली इस अजीम शान फिल्म को बनाया। 1944 में के आसिफ को अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए एक प्रोड्यूसर मिल गए। नाम था शहराज अली। शहराज अली ने फिल्म मुगले आजम में पैसा लगाने का मन बना लिया। फिल्म की कास्टिंग शुरू हुई। के आसिफ ने उस दौर के मशहूर अभिनेता चंद्रमोहन, नरगिस और सफरू को कास्ट किया। फिल्म शुरू हो पाती उससे पहले फिल्म के लीड एक्टर चंद्रमोहन की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और फिल्म वहीं 3 बरस रुक गई। 1947 के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर शहराज अली विभाजन के वक्त पाकिस्तान जाकर बस गए और फिल्म को प्रोड्यूस करने से पीछे हट गए। पर के आसिफ के इरादों को बदल पाना नामुमकिन था। शहराज अली समझ गए थे कि जैसी फिल्म के आसिफ बनाना चाहते हैं उसे वो फाइनेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त 10 लाख रुपए में बड़ी से बड़ी फिल्म बन जाया करती थी और के आसिफ इसमें पैसे को पानी की तरह बहाना चाहते थे, और वो भी उस जमाने में जब लाखों रुपए अहम हुआ करते थे, उस वक्त वो करोड़ों रुपए खर्च करना चाहते थे। शहराज अली आसिफ का जुनून जानते थे। उन्होंने के आसिफ को मशवरा दिया कि वो बिजनेसमैन शाहपुर जी पलोन जी मिस्त्री को किसी तरह से मना लें। लेकिन एक दिक्कत थी, शाहपुर जी पलोन जी मिस्त्री फिल्मों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते थे। आसिफ उनसे मिले, उन्हें कहानी सुनाई और उनका वही हुनर अटेंशन टू डिटेल काम कर गया और शाहपुर जी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गए। इस बात में आसिफ की मदद खुद उनके अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर ने पर्दे के पीछे रहकर की। दरअसल 1945 की फिल्म फूल में पृथ्वीराज कपूर के आसिफ के निर्देशन में काम भी कर चुके थे। ऐसे में वो उनके हुनर से बेतहाशा प्रभावित थे। उन्होंने भी शाहपुर जी से कहा कि आपके जैसा बड़ा बिजनेसमैन ही इस पागल आदमी को फाइनेंस कर सकता है। पता नहीं कितने समय और कितने सालों में ये आदमी इस फिल्म को बनाएगा, पर फिल्म हिंदी सिनेमा के नज़रिए को ही बदल देगी। शाहपुर जी ने देश के सबसे जुनूनी सबसे पागल निर्देशक के आसिफ की फिल्म पर पैसा लगाने की हामी भर दी। फिल्म की रिकास्टिंग हुई और सबसे पहले अकबर की कास्टिंग हुई।
जिसमें पृथ्वीराज कपूर को चुना गया। भारी भरकम आवाज और स्वर पेटियों को लयबद्ध तोड़कर निकल जाने वाले डायलॉग्स में पिरोई हुई ये आवाज अकबर की आवाज बन गई और पृथ्वीराज कपूर का चेहरा अकबर का चेहरा बन गया। दुनिया का कोई भी शख्स किसी दूसरे के चेहरे और आवाज में अकबर की कल्पना नहीं कर पाएगा और शायद ही कोई फिल्मकार ऐसा करने की जरूरत करे, क्योंकि ये पर्वत पर बने मंदिर की सीढ़ियां हैं जिसके हर सोपान पर शैवाल जमे हैं, हर सीढ़ी पर फिसलन है। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।